वेलकम टू हेमलेट रेस्टोरेंट मोरमा ललिता मनोज। आज हम ब्रेकफास्ट के प्रीमिक्स की रेसिपी देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पोया, उपमा और हलवे की रेसिपी देखने जा रहे हैं। ये तीनों ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हो या कहीं बाहर हो, आउट ऑफ हो, आपको घर का खाना है, तो आप इसे सिर्फ गर्म पानी डालने से आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए। कांदा पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून जितना तेल, 2 कप जितने मैंने पोहे लिए हैं, 1/2 टीस्पून बड़ी सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई, 8 से 10 करी पत्ता, 2 हरी मिर्ची ली है जिसे मैंने बारीक कट कर ली है, 1 टीस्पून शक्कर, 1 छोटा प्याज लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून मूंगफली दी है, 1/4 टीस्पून नींबू का सत लिया है, 1/4 टीस्पून हींग ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें अनियन डालेंगे, हरी मिर्ची और करी पत्ता। इन तीनों को ड्राई रोस्ट करना है हमें, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो चले जाएगा। इसे 4 से 5 मिनट तक हमें स्लो, मीडियम टू लो गैस पे हमें इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, प्याज का मॉइस्चर कम हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप जैन पोहे बना रहे हो और इसमें प्याज नहीं डालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी इसका तड़का करके हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल सकते हो, लेकिन हम कांदा पोहा बना रहे हैं इसके लिए हमें इसे ड्राई रोस्ट करना जरूरी है, वरना प्याज का जो मॉइस्चर है पूरी तरह से जाएगा नहीं और हमारे पोहे ज़्यादा दिन प्रिजर्व नहीं रहेंगे। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। 1 टेबल स्पून जितना मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। अब जो ये जो पोहे है इसे हम कपड़े पे डालकर हल्का सा पोंछ लेंगे, जिससे कोई भी इसमें डस्ट रहेगा तो चले जाएगा। ऐसे तो अच्छे ही आते हैं पर कभी कभी इसमें थोड़ा सा डस्ट रहता है, तो हल्के से कपड़े से हल्के हाथों से इसे हमें इस तरह से रब करना है। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। राई, जीरा और सौंफ डालेंगे। हींग डालेंगे और जो हमने फ्राई करके रखे थे प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता, इन तीनों को अब इसमें डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौटे करेंगे। जिससे कि हमारे प्याज में जो एक्स्ट्रा मॉइस्ट है वो भी निकल जाएगा। प्याज को हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेकना है। इसे 3 से 4 मिनट तक हमें
स्लो गैस पर फ्राई करना है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया, लाइट पिंक कलर आ गया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। और पुदीना डाल देंगे। इसे एकदम स्लो गैस पर फिर से 3 से 4 मिनट तक हमें इसे सेकना है। इसे एकदम स्लो ही रखना है, हमें आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारे पोहे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इसे हमने एकदम स्लो गैस पर रोस्ट किया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। वन फोर्थ टीस्पून जितना मैंने नींबू का साथ लिया है। एक बार अच्छे से हिला लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल में जाएंगे और आपके पास थोड़ा सा गर्म पानी रहेगा तो आप गर्म पानी को पोहे में डालकर 2 मिनट छोड़ दो, आपके पोहे बनके रेडी हो जाएंगे। हमारे पोहे बन गए हैं। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसमें 1 टीस्पून जितनी मैं शक्कर डाल रही हूँ। आपको अगर शक्कर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कांदा पोहे में शक्कर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे एकदम ठंडा होने के बाद में एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1 महीने तक आप रख सकते हो विदाउट फ्रिज। उपमा प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 कप सूजी लिए है, 2 टीस्पून घी, 1/4 टीस्पून हींग लिए, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून उलद दाल ली है, 5 से 7 करी पत्ते, 2 हरी मिर्ची लिए जिसे बारीक कट कर लिया है, 1 टेबलस्पून जितना काजू लिया है और 1 साबुत लाल मिर्ची लिए। आप चाहो तो इसमें 1 पिंच जितना नींबू का शर्बत भी डाल सकते हो लास्ट में। चलिए इसे बनाते हैं, ऑन करते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और करी पत्ते डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्ट है वो निकल जाएगा और हमारा प्रीमिक्स बहुत दिनों के लिए खराब नहीं होता है ऐसे करने से। हमने इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें राई डालेंगे। उलद दाल डालेंगे। उलद दाल का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें काजू डालेंगे। अगर आपको काजू नहीं पसंद है तो आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो। काजू का हल्का कलर चेंज होने तक हमें इसे सेकना है। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्ची डालेंगे और जो हमने करी पत्ता और हरी मिर्ची को सेक कर रखा था इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे स्लो गैस पे ही हमें मिलाना है। वन पिंच हींग डालेंगे। अगर आपको हींग का टेस्ट उपमे में पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसे एकदम स्लो गैस पर 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। मिनट हो गए हैं, इसे हमने एकदम स्लो गैस पर किया है और इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। हमें ज्यादा इसे तेज गैस पे नहीं करना है वरना हमारा जो उपमा है उसका कलर एकदम व्हाइट नहीं आएगा। अब हम इसमें घी डालेंगे।
या घी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ऑयल की मात्रा 1/2 टीस्पून एक्स्ट्रा कर सकते हो। लेकिन उपमे में लास्ट में अगर आप घी डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप 1 कप सूजी ली है तो आप उसमें 3 कप गर्म पानी डालना है और इसे मिक्स करना है। आपका उपमा बनके रेडी हो जाएगा। इसमें आपको और कुछ नहीं मिलाना है। अगर आपको फ्रेश धनिया वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन 1 कप सूजी में आप 3 कप के हिसाब से आपको पानी डालना है। अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो और थोड़ा सा आप 1/2 कप एक्स्ट्रा कर सकते हो, और आपको खुला खुला उपमा चाहिए तो 2.5 कप जितना आप पानी डाल सकते हो। नॉर्मली 1 कप में 3 कप जितना पानी जाता है। अब हम इसमें 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच जितना हम नींबू का रस डालेंगे, हमें ज्यादा नहीं डालना है। हमारा उपमा प्रीमिक्स बन के रेडी है। हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के बाद में 1 हीट कंटेनर में डालकर रख देते हैं। इसे आप विदाउट फ्रिज भी 1 से 2 महीने तक आराम से बना सकते हो। आप जो इसमें तेल यूज कर रहे हो, नॉन फ्लेवर्ड तेल यूज करना है आपको, रिफाइंड ऑयल। आप फ्लेवर वाला तेल यूज करेंगे तो थोड़ा सा अलग स्मेल आ जाएगी। आपको नॉन फ्लेवर जो तेल आता है, रिफाइंड ऑयल, वो यूज करना है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। हमारा उपमा प्रीमिक्स बन के रेडी है। गेहूं के हलवे का प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कटोरी से कम मैंने गुड़ लिया है और 1/2 कटोरी से थोड़ा कम मैंने घी लिया है। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और घी को पैन में डालेंगे। अब कई बार जा रहे हो, आपको मीठा खाने का मन हो रहा है तो यह रेसिपी आपको गरम गरम सीना आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। घी हमारा हल्का मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। इसे एकदम स्लो गैस पे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए सेकना है। 1 कटोरी मैंने आटा लिया है तो इसमें 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है। इसे 5 से 7 मिनट तक एकदम स्लो गैस पे इसी तरह से सेकना है। एकदम स्लो गैस पर ही हमें इसे अच्छे से सेकना है। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे सेकना है। घी की क्वांटिटी इस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि कोई कोई आटे में घी और पानी की मात्रा ज़्यादा जाती है और किसी में कम जाती है। हमें इस तरह से मिक्स हो जितना घी डालना है। इसमें भी हमें 2 से 2.5 कप जितना गर्म पानी डालकर मिक्स करना है। इसे करीब हमें 8 से 10 मिनट तक इसी तरह एकदम स्लो गैस पर सेकना है, जिससे कि इसका कलर हल्का गुलाबी ना हो जाए। अगर आप कोई ठंडी जगह पे जा रहे हो और आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इस तरह से हलवा बनाकर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा और जल्दी से बन जाता है। इस तरह से हल्के हल्के बबल्स आएंगे। इसे बिल्कुल भी तेज गैस पे हमें प्रीमिक्स के लिए नहीं सेकना है, वरना ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से अच्छे से सिकेगा नहीं तो आपका हलवा इतना अच्छा नहीं बनेगा। सिरे का कलर हमारा चेंज हो गया है और अच्छे से हमारा सीरा सीख गया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं।
दो मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से हिलाएंगे ताकि जो हमारा पैन है गर्म रहेगा तो सीरा हमारा नीचे से जल जाएगा। इसी तरह हिलाने से हमारा जो सीरा है उसका कलर एक जैसा आएगा। हल्का ठंडा होने तक हमें इसे हिलाना है। फिर इसको पूरा ठंडा होने के बाद हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। हमारा सीरे का जो मिश्रण है ठंडा हो गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। और इसे अच्छे से गुड़ को मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है जिससे पानी डालते ही वो गल जाएगा। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितनी बादाम कटी हुई डाल रही हूँ। बस इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद में हमें इसे 8-8 कंटेनर में डाल के रखना है। ये आप विदाउट फ्रिज भी 1 से 2 महीने तक आराम से बनाकर खा सकते हो। इंस्टेंट ट्रैवल रेसिपी में हमने आज उपमा बनाया है, ये हलवा है और ये पोहे है। ये तीनों गर्म पानी डालने से हमारे इंस्टेंटली बन जाते हैं। हमारे तीनों तरह के इंस्टेंट प्रीमिक्स बन के रेडी है। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।